अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बाज़ार गई थी और मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने इचरा बाज़ार से शॉपिंग की है। जो लोग लाहौर रहते हैं वो तो जानते होंगे कि इचरा बाज़ार जो है वो उसमें हर चीज़ मिल जाती है, और वो भी मुनासिब प्राइस पर। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस वहाँ पर नहीं होती और हर चीज़ ही आपको वहाँ से मिल जाती है। चाहे कपड़े ले लें, जूते ले लें, ज्वेलरी जो मर्ज़ी ले लें, बर्तन हर चीज़ मिल जाती है। और ये मैंने कुछ बर्तन वहाँ से बाय किए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को, मैंने ना एक स्टॉलर होल्डर भी लिया था। ये इसमें 15 स्टॉलर जो है वो दुपट्टे या स्टॉलर हैंग करके आप रख सकते हैं, क्योंकि दुपट्टे अक्सर जो है वो मसला होता है रखने के लिए, तो ये बेस्ट है उसके लिए। इसके अलावा मैंने स्पैचुला ये लिए हैं दो, और ये एक पैकेट था और ये भी 150 का मिल गया। एक ब्रश है और एक स्पैचुला नॉन स्टिक के लिए यूज़ करने के लिए। ये मेरा ख़राब हो गया था, टूट गया था, इसलिए मैंने ये नया लिया, तो 150 का ही मिला है। और इसके अलावा मैंने ये एक ट्रे का सेट लिया है, गिलास की ट्रे है, जो सर्विंग ट्रे होती है ना, ये वो है। ये 3 का सेट था और ये बहुत ही मुनासिब प्राइस पे मिल गया। ये सबसे छोटा साइज़ है, और इसके अलावा 3 साइज़ हैं इसके, एक उससे थोड़ा बड़ा है और एक सबसे बड़ा है। ये सेकंड नंबर पे है ये वाला, ये भी गिलास का बना हुआ है, शीशे का, बहुत ही खूबसूरत सेट है ये। तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास सर्विंग ट्रे बहुत कम थी, और इसके अलावा मैंने रेसिपीज़ वगैरह के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो ये सिर्फ मुझे 1100 का ये तीन ट्रे का सेट मिल गया, और ये बहुत मज़बूत और बहुत अच्छी बनी हुई है। और एक और महंगे स्टोर से मैंने इसका रेट पता किया था, वहाँ 3000 था इन तीनों का, और ये मुझे सिर्फ 1000 के लगभग मिल गया। इसके अलावा ये मैंने एक सीज़र लिया है मिर्चें वगैरह धनिया पुदीना काटने के लिए, ये बहुत बेस्ट है। इसमें 4-5 ब्लेड लगे हुए हैं और एक मिर्च एक ही दफ़ा में कट कर देती है, और बारीक बारीक साइज़ इसके। इसके अलावा ये एक शो पीस लिया $1 शॉप से, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है, और ये भी सिर्फ 150 का मैंने लिया है, और ये आप वॉल वगैरह पे हैंग कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने बाहर अपने जो टीवी लाउंज है वहाँ पे मैंने इसको हैंग कर दिया, और ये दीवारें हमारी बहुत ख़राब की हुई हैं बिहार ने। और इसके अलावा ये मैंने एक मिरर लिया था स्टैंड वाला, क्योंकि अक्सर मिरर की ज़रूरत पड़ती है बाहर अपनी शक्ल वगैरह देखनी हो तो उसके लिए यूज़ हो जाता है, तो ये भी बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये भी सिर्फ 150 का मैंने लिया, और $1 शॉप से। इचरे में $1 शॉप भी है, और वहाँ पे बहुत मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं हर प्राइस, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी होती हैं 150 की आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा ये स्टिकर्स लिए थे किचन में लगाने के लिए, तो इसमें आप स्टेनर या कोई भी चीज़ हैंग करनी हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने बाय की हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो इसके अलावा फिर शाम होगी और भाभी ने मंचूरियन, कोफ्ता मंचूरियन राइस बनाए थे, बहुत मज़े के थे वो, हमने फिर खाए और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें सिर्फ शॉपिंग शेयर की है जो मैंने आज बाय की थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आप मेरे कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और व्लॉगिंग चैनल को भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।